बैटिंग ग्लव्स पहन के मैंने आज बाइक चलाई। और तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी। ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी। ट्रायल तो हो गई अपनी भाई, उसने तो 150 डाली है लगभग, स्टंप तोड़ दिए। मामा शाम में प्रैक्टिस करता है भुवनेश्वर कुमार। हेलो गाइस, वेलकम टू आशु परमार स्पेशल्स एपीएस। मैं हूं आपको आशु परमार। तो आ गया मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज मैं जा रहा हूं एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी जो बरेली में है। और मैं वहां क्यों जा रहा हूं, क्योंकि वहां एक टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 19 का, तो उसी का मेरा ट्रायल है आज। तो आज सुबह 8:30 बजे वहां पे पहुंचना है यार, और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। देख सकते हो कितने सारे कपड़े पहने मैंने, क्योंकि बाइक से जाने वाला हूं मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम है अभिश। तो हम दोनों ट्रायल देंगे यार। तो यार अभी मैं अपनी जो रियल वाली एकेडमी है मैं नहीं जा पा रहा, बिकॉज मेरी ट्यूशन की टाइमिंग मैच नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना खाली बैठने से अच्छा ट्रायल लेके आया जाए, हो सकता है सिलेक्शन हो ही जाए। तो हम लोग एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी जाएंगे, और जितना ज्यादा हो सकेगा मैं तुम्हें वहां का सीन पूरा दिखाऊंगा। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो चलो यार चलते हैं। तो जैसे कि भी तुम लोग देख सकते हो ये मेरी किट है, तो मैं पूरा रेडी हूं। अब बाहर चलते हैं अपने दोस्त के साथ और एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई तैयार है चलने को? बिल्कुल भाई, मजा आने वाला है समय आज। तो भाई अपनी पल्सर आ चुकी है, ये देखो। तो चलें? चलो मेरे भाई। We go up and down, we go up and down on this roller coaster ride. We fall back sometimes, we fall back sometimes on this roller coaster ride. In this roller coaster ride. तो गाइस हालत खराब हो रखी है, हम लोग NH30 तक तो पहुंच गए। बहुत ठंड है अभी, बहुत ज्यादा ठंड है मेरे भाई। और ये देखो बाइक चलाई है, ये देखो ये वाले ग्लव्स से बाइक चला रहे, मतलब बैटिंग ग्लव्स पहन के मैंने आज बाइक चलाई। और बहुत ठंड है यार, हम लोग रुक गए, लेकिन तुम्हारे लिए व्लॉग कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो लाइक कर देना व्लॉग को। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी। भाई हालत खराब हो गई ठंड में, और चलो दिखाते हैं तुम्हें एकेडमी का थोड़ा बहुत लुक। ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी। तो ये अपना कृष्णा पब्लिक स्कूल में बनी हुई है एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी। ये बाहर से लुक देखो तो ये नेट्स लगे हुए हैं, यही ग्राउंड है। अभी अंदर चल के दिखाएंगे जितना हो सकेगा यार। तो भाई ये हैं अपने नेट्स एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी के, कुछ इसी तरीके का सीन है। बढ़िया ग्राउंड है यार। तो भाई ट्रायल तो हो गई अपनी, क्यों अभिष? हाँ यार बहुत मजा बहुत आया, मजा तो आया, लेकिन ज्यादा मेरी तो कुछ खास गई नहीं ट्रायल। यार अभी अच्छा नहीं गया, पिच थोड़ी सी गीली थी, नेट्स में थोड़े गीले थे। तो मजा तो आया, एक एक्सपीरियंस मिल गया। चलो एक्सपीरियंस अच्छा था फिलहाल एमएस धोनी एकेडमी। हां, और अगले एकेडमी अच्छी है। एक हमारा यहाँ पे एक फ्रेंड आया था मेरे, हाँ भाई, उसने तो 150 डाली है लगभग, स्टंप तोड़ दिए। स्टंप टूट गई भाई, एकेडमी वाले का 4 बार रोल होकर गिरा पीछे जाके। हाँ, एक बार पीछे रोल होकर गिरा, और एक बार बीच में से स्टंप ही तोड़ दिया। अरे कोच कह रहे भाई कौन आ गया जे, कह रहे उसे साइड में खड़ा कर लो। मेरठ से आया था, मेरठ का बंदा था, हिमांशु सिरोही नाम का, भामा शाह में प्रैक्टिस करता है भुवनेश्वर कुमार वगैरह। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब खाने का टाइम हो गया है, तो सब्सक्राइब मारो, खाना दूंगा। एक सब्सक्राइब को एक मूली। तो भाई ये अपनी किट है, और जरा फोटो शूट कर रहा था मैं। देखो भाई सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस किसी बाजार में नहीं बिकता, अनुभव किसी के बाजार में नहीं बिकता, वो सिर्फ खेलने से मिलता है। मैं धोनी क्रिकेट एकेडमी कैसी लगी तुम्हें? अकेडमी तो अच्छी है, अकेडमी तो अकेडमी अच्छी है। मैंने ये यहाँ के ट्रायल में ये नोटिस करा, कोच ध्यान दे रहे हैं, गुड है, तुम चाहो तो एडमिशन ले सकते हो अकेडमी। भाई अब हम अकेडमी से बाहर आ गए, अब चलते हैं घर की ओर। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एमएस धोनी अकेडमी में ट्रायल देके हम लोग अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं। NH30 हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, तो बढ़िया एक्सपीरियंस था यार कुल मिला के। तो अब बस यार घर जा रहे हैं हम लोग। ब्लॉग के लिए काफी मेहनत करी थी हम लोगों ने, तो मजा आया भाई। बहुत मजा आया। देखो यार सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस हमें जरूर मिल गया। तो चलो यार अब घर पहुंच के तुमसे बात करते हैं।
सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। काफी देर पहले ही आ गया था, लेकिन यार खाना वाना खा के थोड़ा घूम घूम रहा था मैं। तो फाइनली यार जब घर आया मैं तो थोड़ा आराम मिला यार। बहुत ठंड में हम लोग गए थे ट्रायल देने, ट्रायल भी ठीक ठाक गया, अब सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन हाँ यार एक्सपीरियंस मिला। और एक्सपीरियंस बाजार में नहीं बिकता है, वो तुम्हें अलग अलग जगह से खेलने से ही मिलता है यार। इस टाइम मैं अपनी अकेडमी में नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा एक ट्रायल ही क्यों ना दे लिया जाए। तो कुल मिला के कहें तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और MS धोनी क्रिकेट अकेडमी मैंने पूरी दिखा ही दी आपको कि कैसी है कैसी नहीं है। कुल मिला के उसका रिव्यू अगर मैं देना हो तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। नेट्स वगैरह की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, मैट भी है, टर्फ भी है, और पिच भी ठीक ठाक है यार, बढ़िया। ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि भैया कोई भी आके ऐसे खेल ले, तो ग्राउंड भी अच्छा है। तो कुल मिला के देखने में तो अच्छी लगी, और फैसिलिटीज़ भी लगभग अच्छी ही लग रही थी मुझे, ड्रेस वगैरह। तो कुल मिला के अगर एडमिशन चाहते हो तो ले भी सकते हो। तो यार इस ब्लॉग के लिए हमने बहुत मेहनत की यार, इतने ठंड में हम लोग गए और हमने तुम्हारे लिए वीडियो भी शूट करी वहाँ पे यार। तो एक लाइक तो यार बनता है, MS धोनी क्रिकेट अकेडमी के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ये अकेडमी कैसी लगी और ये व्लॉग कैसा लगा यार। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रेड वाले बटन को जाके मारो और कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ ऐसी बढ़िया बढ़िया क्रिकेटिंग वीडियोस और एंटरटेनमेंट व्लॉग्स मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो पर्सनली तो मुझे कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, बिकॉज वहां मैं अपनी पर्सनल लाइफ की भी अपडेट देता रहता हूँ यार। तो जाओ जाके फॉलो कर लो, यूजर नेम तुम ये देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बड़े बड़े बनाएंगे तुम्हारे, तब तक ले बाय।